दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी प्रारंभ हो चुका है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई आप पार्टी की पूर्व नेता शाजिया इल्मी के बाद अब आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता विनोद कुमार बिन्नी ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें कि बिन्नी दिल्ली की लक्ष्मी नगर से विधानसभा सीट से आप पार्टी के विधायक थे। दिल्ली विधानसभा 2013 के चुनावों में बिन्नी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता AK वालिया को भारी मतों से हराया था। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने आप के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उन्हें आरोप लगाया कि पार्टी दिल्ली के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है और अपने सिद्धांतों से पीछे हट रही है। जनवरी 2014 में आपने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने के कारण बिन्नी को निष्कासित कर दिया था। वहीं इधर खबरें ये भी हैं कि इस बार होने वाले चुनावों में बिन्नी को बीजेपी आप नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ पटपड़गंज से उतार सकती है या फिर बिन्नी को लक्ष्मी नगर से उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि बीजेपी में बिन्नी की इस मौजूदगी से भाजपा को चुनावों में कितना फायदा होता है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट।